चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ में हुई फायरिंग के बाद बीकानेर में जगह जगह पुलिस ने नाकाबंदी की है और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हथियारबंद जवान वाहनों की तलाशी ले रही है। डूंगरगढ़ में एनएच 11 से गुजरने वाली सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। जब भी राजस्थान में इस तरह की घटनाएं होती है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। देखे श्री डूंगरगढ़ से कैलाश राज पुरोहित की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में हुई फायरिंग के बाद बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे 11 पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौबंद की गई है। तो वहीं राजस्थान पुलिस के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर यहां गाड़ियों से तलाशी ले रहे हैं। यहां से गुजरने वाली बाहर की गाड़ियों की लगातार तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई घटना न हो। पुलिस द्वारा समय समय पर इस तरह की घटनाएं जब भी राजस्थान में होती है तो पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद की जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर यहाँ पूरी तरह से गाड़ियों की चेकिंग में लगे हुए हैं। हनुमानगढ़ फायरिंग के बाद पूरे जिले में जगह जगह इस तरह से पुलिस का अभियान चलाया जा रहा है। श्री डूंगरगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए कैलाश राजपुरोहित की रिपोर्ट।